चलिए बताइए तो आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आवाज आइए, कमेंट करके बताइए कि आप सुन पा रहे हैं। ठीक, ये तो अब जा रही है आवाज। हेलो, आवाज जा रही है? कोई दिक्कत आवाज में? यस या नो जल्दी कीजिए तो आगे स्टार्ट करें। साउंड में कोई प्रॉब्लम है? सुन रहे हो ना? चलिए देखिए, आवाज जा रही है? चलिए आवाज जा रही है तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका इसी फार्मूले पर हम लोग इसको इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 105 है प्लस प्लस कर देंगे इनटू, देखिए इसमें माइनस 2 है, इसमें a माइनस बी को होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसको लगा देते हैं, इसलिए वाला फार्मूला ध्यान से रखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इस पर यहाँ पे बैठ रहा है, इसको इस फार्मूले पे बैठा दूंगा और यहाँ पे माइनस चिन्ह दे देता हूँ और 2 का स्क्वायर कर दूंगा। 105 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11025 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आएगा, इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21021 आ जाएगा, 11021। क्लियर, समझ गए? समझ गए हैं? चलिए आगे अगला टाइप के क्वेश्चन को भी हम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग करना है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हम लोग को इसका स्क्वायर निकालना है। क्लियर, सुन रहे हैं ना आप लोग? आवाज जा रही है? यस कर दीजिए। आवाज जा रही है? चलिए देखिए, एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, लिख लेता हूं पहले, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फार्मूले का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। क्लियर, जब हम देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम a बराबर क्या मान लेंगे, a बराबर हमारा x हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और c बराबर हमारा हो जाएगा 4z। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसका वैल्यू डालेंगे, x प्लस 2y, इसके जगह पर हम इसको लिख दे रहे हैं, ए के बराबर जगह पे x, ए के जगह पे x, बी के जगह पे 2y और सी के जगह पर 4z। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, x का स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर, y का स्क्वायर कर देंगे y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर कर देंगे z स्क्वायर, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या कहता है, 2ab, तो 2 लिख देंगे, a कितना है x है, x दे देंगे। क्लियर, b कितना है 2y, तो 2y दे देंगे, फिर प्लस करेंगे 2bc, तो यहाँ पे 2 दे देंगे इनटू b कितनी है 2y, और
सी कितनी है 4z, 4z दे देंगे प्लस सी 2c है, 2 दे देंगे, सी कितना है 4z है, 4z दे देंगे इंटू ए कितना है x। क्लियर, इस ढंग से हम सजा देंगे। अब हम सजाने के बाद देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर 2 y के पे स्क्वायर चल जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और z का स्क्वायर 2 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए इसको इसमें गुना कर देंगे तो दूनी 4 4xy हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16yz हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 xz, हमारा क्वेश्चन बन गया। क्लियर, चलिए इसका एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग अभी देख लेते हैं, उसमें माइनस पर रहेगा तो ये नहीं कीजिएगा कि सारा आसान वाला बना लिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का, देखिएगा 3a-7b-c² क्लियर। इसे फिर हम लोग इसी यही फार्मूला अप्लाई करके इसी फार्मूले पे हम लोग इसे भी आराम से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें हम मान लेते हैं इसको a बराबर कितना जाएगा 3a, b बराबर कितना जाएगा -7b और c बराबर हमारा जाएगा -c। क्लियर, अब हम क्या करेंगे इस फार्मूले पे रख देंगे 3a-7b-c² a² है, a² कितना है 3a, 3a का स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या है माइनस है, चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस के चिन्ह देंगे यहाँ पे 7b² फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस c² दे देंगे। क्लियर, अब आगे देखिए इसके आगे क्या होता है, इतना तक हो गया। अब देखिए अब क्या करता है, बोला जा रहा है 2, अब देखिए प्लस है कि माइनस, तो प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस हो जाएगा 2 × 3a, 2ab है, a के जगह पर क्या लिखेंगे 3a × b कितना है -7b लिख देंगे। अब देखिए फिर अब क्या इतना है 2bc है, क्या है 2bc, जब 2bc की चर्चा है तो हम लोग चिन्ह क्या हो जाएगा e भी माइनस a भी माइनस, दोनों माइनस, देखिए b का वैल्यू भी माइनस और c का भी वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का सिंबल हो जाएगा 2 × 2 × 7b × लगा देता हूँ भी मैं माइनस ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको, -c हो गया। अब देखिए अब अगला कहता है 2ca, तो ca में एक ही माइनस है, ca में इसको भी कर दो भी, हाँ देखिए 2 × c कितना है, a कितना है 3a × -c, चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3a का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a के पावर 2 हो जाएगा, 4 का 7 का करेंगे तो 49, बी के पावर 2 हो जाएगा, इस माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसमें भी माइनस आ गया है। और देखिए सी का जब हम करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा, अब देखिए इसको कर दे 7 × 21, 21 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 42, ए बी हो जाएगा, देखिए ई माइनस ई माइनस 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 दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कट गया। अब देखिए 7 × 14, 14bc हो जाएगा। अब उसकी कि आगे अब हम लोग चलते हैं, इसमें देखिएगा इससे माइनस गुना हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 × 6, 6ac। क्लियर, इसमें हमारा क्वेश्चन बन गया, इतना पर ही आंसर आ गया। क्लियर, चलिए इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन और रहेगा, लास्ट में मैं लिखा दूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। एक और क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, एक क्यू वाला बता दूंगा, एक दो क्यू पे आधारित अभी क्वेश्चन है दो टाइप का, उसकी चर्चा हम लोग अभी कर लेते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, ध्यान से देखिएगा, 2x+1 का होल क्यू निकालना, क्लियर। देखिए होल क्यू का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, a+b का होल क्यू, इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका चर्चा किए हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे, a³+bq+3a²b+3ab², ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखिए इस फार्मूला को जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारा जो है यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और b 2x, अब b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, 2x+1 का होल क्यूब, ये कितना है, 2x है, तो 2x का क्यूब हो जाएगा, प्लस b कितना है, 1 का होल क्यूब, प्लस 3 ये कितना है, 2x a स्क्वायर चढ़ा देंगे, इंटू रहेगा, अब b कितना है, 1। चलिए देखिए क्या 3, यहाँ पे 3 दे देंगे इंटू, ये का वैल्यू कितना है, 2x इंटू बी का वैल्यू कितना है, 1 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके यानी कि क्यू है, इसका मतलब होता है कि 2³ है, इसका मतलब है 2x गुने 2x हम लोग को करनी है, ठीक है। 2x को गुना कर देंगे, 2 × 4 = 8, 8x³ आ जाएगा। इसी ढंग से तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8x³। अब फिर यहाँ क्या है, 1 को 1 × 1 × 1 तीन बार गुना करेंगे, कितना होगा, 1 ही रहेगा, तो प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे, फिर देखिए 3 है इंटू 2x है, 2 × 4 x² हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे उतना ही रहेगा, चलिए 3² = 6x, क्लियर। अब देखिए आप लोग, अब इसमें हम इसको जोड़ देंगे, 8x³+1, देखिए इसको इससे जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 4³² 12, x³² 2+6 = 6x। अब देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग थोड़ा लिख देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए x³ है प्लस 12x² + 6x + इस 1 को लास्ट में कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हमारा आंसर जो है यही आ गया, क्लियर, समझ गए हैं तो यस कर दीजिए, आगे फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, यस समझ गए हैं तो यस कर दीजिए, आप लोग समझ गए हैं तो यस कीजिए, अगला क्वेश्चन की मैं बता रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, एक माइनस वाला होल क्यू पे मैं भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है 102 का होल क्यू निकालना, ठीक। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 1+102 का होल क्यू निकालना है। देखिए इसको हम लोग तोड़ के दो भागों में इसका कर सकते हैं, 100+2 का होल क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कोई डाउट, नो। अब देखिए अब इसमें हम लिख सकते हैं, ए बराबर हमारा हो जाएगा 100 और बी बराबर हमारा हो जाएगा 2, क्लियर। ए बराबर 100, बी बराबर 2। चलिए अब फिर हम लोग इसी यहाँ से उठते हुए आ जाते हैं छलांग लगा करके a+bq के फार्मूले पे, और इस फार्मूले से फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे अभी, क्लियर। चलिए देखिए ये फार्मूला जब हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या कर देंगे, हाँ प्लस नहीं बनेगा, a+b का होल क्यू का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, क्या होता है, a³+bq+3a²b+3ab²। चलिए इसको इस फार्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं,
देखिए एक एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक क्यू ए है, ए का वैल्यू यहाँ पे दे देंगे 100, इस पर क्यू चढ़ा देंगे, बी बी का वैल्यू कितना है 2, 2 का होल क्यू कर देंगे प्लस 3 इंटू, अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 100, 100 का स्क्वायर कर देंगे, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है, 2 कर देंगे, 2 लिख देंगे इंटू 2, फिर देखिए 3 है, 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 100 इंटू बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए 100 का वैल्यू के पावर कितना है 3 है, क्या होगा 100 गुने 100 गुने 100, आप लोग देखने वालों की संख्या देखिए, लाइक करने वालों की संख्या कम है, चलिए देखिए यानी कि 100 गुने 100 गुने 100, तीन बार जब 100 गुने 100 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 1, और देखिए कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6, उतना 6 जीरो इस पर बैठा देंगे तो इसको मल्टीपल करने पर उतना ही आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे लिख देंगे 2 के 3 बार गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब देखिए 3 है, 3 इंटू 100 गुने 100 जब करेंगे, 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 करेंगे, जब हम 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा 100 पे 1 पे 40 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 से इसको गुना कर 3 2 जा, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और इससे जब हम इसमें गुना करेंगे तो 100 1 पे 40 आ जाएगा। अब देखिए फिर इसमें 3 को इससे करेंगे, 3 को 100 से 300 इंटू 2 2 जा स्क्वायर है 4 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ 8 है, 8 लिख देता हूँ, 6 से 10,000 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पे हमारा 40 हो जाएगा। अब देखिए 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 4 3 12 यानी कि 1200। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं, जब हम इन सभी को आपस में जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा लास्ट से करते हैं, देखिए 8 है 1 प्लस 8 आ जाएगा, उसके बाद क्या है 0 0 आ जाएगा, उसके बाद क्या है 2 है 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, क्लियर। ऐड के बाद आप लोग मिला लीजिएगा, हमारा क्वेश्चन इस ढंग से पूरे कंप्लीट हो गए, देख लीजिए कहीं डाउट नहीं है, मैं कमेंट कर दीजिए है कि नहीं। कोई डाउट नहीं ना है, एक और बताएं इसका, जल्दी बोलिए एक और क्वेश्चन बता दें इसका, चलिए इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए,
इसमें पहला है 103 × 107, दूसरा है 95 × 96, तीसरा है इसका 104 × 196 है। क्लियर? चलिए दूसरी क्वेश्चन है आपको इसी में, दूसरे पैटर्न का, जिसमें बोला जा रहा है उपयुक्त सर्व समीकाओं समीकाओं का प्रयोग कर निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड पहला, दूसरा क्वेश्चन है 2x − y + z का होल स्क्वायर, तीसरा है −2x + 3y + 2z². चौथा क्वेश्चन है 3a − 7b − c². पांचवा क्वेश्चन है −2x + 5y। जितना क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं सभी पे कुछ कुछ टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर रहे। 1/4a − 1/2b + 1, इसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा। क्लियर? अगला टाइप है हमारे पास निम्नलिखित घनों को प्रसारित करें, प्रसारित रूप में लिखिए। टू एक्स प्लस वन ये होल की, दूसरा है x − 2/3y ये होल क्यूब के रूप में, तीसरा क्वेश्चन जो होल क्यूब के रूप में भी हम लोग बनाए थे इस पे आधारित है, और चौथी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान निकालें। इसमें पहला क्वेश्चन है इसका होल क्यूब निकाल देना है, दूसरा है 102 होल क्यूब, तीसरी क्वेश्चन है इसके 998 का होल क्यूब। इतना क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आराम से बन जाएगा। और भी अधिक अगर आपको क्वेश्चन बनाने का इच्छा हो इस चैप्टर से तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इस पे और भी अधिक आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए और आज की क्लास को हम लोग
आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके। चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।